हमारे पाप बिना दंड के नहीं गए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं अपना चेहरा फेर लेता हूँ, तुम जो चाहे वो कर लो, मैं इसे नहीं देखूंगा, बस ऐसे दिखावा करूंगा कि मैंने इसे अनदेखा किया। नहीं, परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, वो उसे देखता, उसे दंड देना चाहता है, उससे निपटना चाहता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यही तो क्रूस पर हुआ। क्रूस की मृत्यु का बस यही तो अर्थ है कि यीशु मसीह मरा हमारे पापों के कारण। So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worth, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're all together love, all together worth, all together परमेश्वर ने सुंदर संसार बनाया मनुष्य के लिए, अदन की वाटिका बनाई मनुष्य के लिए, यहां सब कुछ रखा मनुष्य के लिए। मनुष्य हमेशा उसके विचारों में था, वो उसके बारे में सोचता रहा। भजन 8 स्तर कहता है परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता रहा, हमेशा उसके लिए सोचता कि उसके लिए क्या करे, उसकी जरूरत कैसे पूरी करे, उसके लिए क्या कर सकता है। ये प्रभु के विचार हैं। और मनुष्य पलट कर परमेश्वर की पीठ में खंजर खोपता है, परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाता और वही करता जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा। मार्टिन लूथर कहते हैं अगर मैं परमेश्वर होता तो इस दुष्ट को, इस संसार को पूरी तरह टुकड़े टुकड़े करता, आदम के साथ में यही होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया, परमेश्वर दयालु था। आदम के पतन के बाद से परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग उसे सिखाना शुरू किया। प्रभु बचाना चाहता था। हां, यदि प्रभु एक व्यक्ति को बचाना चाहता आदम के पूरे वंश से, तो कह सकते ये परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह दिखाने के लिए काफी होता। अगर परमेश्वर सबको नरक का दंड दे तो भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते, न्यायाधीश पर दोष नहीं है जो मृत्युदंड की आज्ञा देता है। आप न्यायाधीश को क्रूर नहीं कहते हैं क्योंकि वो किसी को मृत्युदंड देता है या फिर आजीवन कारावास देता है, उम्र कैद, क्योंकि आप समझते हैं कि न्यायाधीश कानून के अनुसार कर रहा है। आप इस बात को समझते हैं कि वो कानून व्यवस्था के अनुसार कर रहा है और वो सही दंड दे रहा है, परमेश्वर न्यायाधीश है। तो जब परमेश्वर लोगों को नरक में भेजता है तो आप नहीं कह सकते परमेश्वर दुष्ट है, जो सही है वो वही कर रहा है, वो न्यायाधीश है, न्याय करते जा रहा है, ये तो दंड है। अगर सबको नरक में भेज दे तो भी परमेश्वर को आप बुरा नहीं कह सकते, आप तो कहेंगे वो न्यायाधीश है और वो सही है। और अगर वो एक व्यक्ति को उद्धार दे दे आप इसे अनुग्रह कहेंगे, अगर वो दो लोगों को बचाता है तो फिर आप इसे कहेंगे कल्पना से भी बाहर अनुग्रह करते जाना। लेकिन देखिए उसने क्या किया, यही किया कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो, ये उसका लक्ष्य था। जब उसने अपना जीवन दिया, अपने पुत्र को दिया, उसने इस विचार से दिया कि एक भी नाश न होने पाए लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। वह हमारे बारे में इस तरह से सोचता है, आमेन। ये प्रभु का अनुग्रह है। आप अनुग्रह के बारे में कुछ कह सकते हैं? सबसे पहले अनुग्रह महान है। महान मतलब परमेश्वर कहता है जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। कई बार आपको लगता है कि जाकर शिकायत करे, प्रभु तूने उसे कैसे आशीष दे दी, क्या तुझे पता नहीं वो कैसा व्यक्ति है, वो इतना बुरा व्यक्ति है, तूने आशीष दी। इस तरह शिकायत लेकर परमेश्वर के पास न जाए क्योंकि प्रभु आपसे कहेगा मैं जिसे चाहूं उसे आशीष दूंगा,
जाकर अपना काम करो। ठीक है, परमेश्वर ऐसे ही करता है, मैं जिसे चाहूं उसे मैं आशीष दूंगा, यानी परमेश्वर का अनुग्रह महान है, परमेश्वर का अनुग्रह बिना शर्त का है, यह अद्भुत है। परमेश्वर का बिना शर्त का अनुग्रह तो पूरी तरह चौंकाने वाला होता है। बिना शर्त का मतलब परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता, किसी अच्छाई की अपेक्षा। जबकि हम पापी थे वो हमें उद्धार देता है, जबकि हम पापी थे वो हमसे प्रेम करता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत देखते हैं और वो तो परमेश्वर का अनुग्रह समझना चाहते हैं, वो इस विषय को नहीं समझते हैं। ये विषय जो मैं कह रहा हूं अनुग्रह, यानी आने वाले हफ्तों में अच्छे से बताऊंगा। और मैं आपसे कहूं, यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग यहां पर बाहर बैठे हैं, लेकिन आपको बताऊं स्वर्ग की बालकनी में वहां पर लोग बैठे हैं, स्वर्गदूतों की सेना है, लाखों और लाखों स्वर्गदूत वहां पर बैठे हैं और मानो आज हमारा संदेश सुन रहे हैं, क्योंकि वो अनुग्रह में दिलचस्पी लेते हैं, वो अनुग्रह समझना चाहते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। नरक को वो समझ पाते हैं, सभी नरक को समझ पाते हैं, कोई समस्या नहीं। और इसलिए बाइबल में ऐसी कोई किताब नहीं है जो केवल समर्पित हो कि नरक के बारे में बताए। नरक के बारे में यहां वहां बताया है, लेकिन पूरी एक किताब नरक के बारे में नहीं बताई गई 66 किताबों में कि पूरी एक किताब नरक के बारे में बताती जाए। कोई किताब ये नहीं कहती कि देखो यहां पर न्याय किया जा रहा है कि लोगों को नरक में भेजे, जानते हैं, नहीं ऐसा कोई विवरण नहीं है। क्योंकि लोगों को नरक में भेजना, इसके लिए कोई धर्मी ठहराए जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्मी परमेश्वर ये कर सकता है, सभी से समझ सकते हैं। लेकिन लोगों को स्वर्ग में भेजना, लोगों को परमेश्वर की संतान बनाना, लोगों को लेकर उन्हें पूरी तरह से बदलना, परमेश्वर के परिवार में जोड़ना, ये तो अद्भुत है। ये ऐसा है जिसे आप नहीं समझ पाते। आप कैसे एक पापी को ले सकते, वो दुष्ट पापी, आप उसे लेकर अपना पुत्र कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे बदलकर अपने परिवार में रख सकते हैं, आप उसे अपना बेटा या बेटी कैसे कह सकते, यही तो चकित करने वाली बात है। और स्वर्गदूत देख रहे हैं, ये नहीं कि नरक को देखे और नरक को समझे, नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को देख सके। ये परमेश्वर का बिना शर्त का अनुग्रह है। अगर आज मैं नरक पर प्रचार करता तो वो दिलचस्पी नहीं लेते, वो आसानी से समझ जाते, कहते हैं हाँ देखो ये तो आग और गंधरस के संदेश के बारे में बताते जा रहे हैं। अगर आप अनुग्रह के बारे में प्रचार करिए चौंकाने वाला है, ये तो बस स्वर्गदूत बैठकर कहेंगे मैं 5000 साल से इसे समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसे नहीं समझ पा रहा था। हाँ, क्योंकि देखिए वो नहीं समझ सकते और वो कभी भी इसे नहीं समझ पाए थे कि पाप क्या है, कि मनुष्य कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में ये सब कुछ करे, कि कैसे परमेश्वर उनसे प्रेम करे, उनके पीछे जाए और उसके विचार तो उनके भलाई से भरे हो, कैसे वो उन तक पहुंचता है, अपने पुत्र को भेजता है कि उनके लिए मरे, उन्हें उद्धार दे, कैसे अपनी पवित्र आत्मा उन तक भेजता है ताकि वो सुसमाचार का संदेश समझ सके, कैसे उन्हें बचाता है, रक्षा करता है, आशीष देता है, संपन्न करता है, वो नहीं समझ पाती हैं। वो इस तरह का प्रचार सुनना चाहते हैं, अनुग्रह का प्रचार वो सुनना चाहती हैं, क्योंकि इसे ही तो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोमियो की पूरी पत्री तो इसी के बारे में है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, कि ये कैसे उद्धार देता है, ये मनुष्य का पतन और परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में है। और स्वर्गदूत चौंक कर खड़े होते हैं जब हम ऐसा प्रचार करते हैं, क्योंकि वो इसे नहीं समझ सकते हैं। और फिर अनुग्रह इसे अधूरा नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमें उद्धार देकर छोड़ नहीं देता कि हम स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर हमारी मदद करता है पूरी तरह से इस जीवन में, हर दिन हमारी मदद करता है, वो हमें लेता है और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है, वारिस और मसीह के संगी वारिस बनाता, और हमें आशीष देता है, संपन्न बनाता है और हमारे द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। मैं बताऊंगा घर में परमेश्वर का अनुग्रह पति और पत्नी के रूप में, और जैसे आप काम करते हैं आपके व्यवसाय में, मैं बताऊंगा कि कैसे प्रभु का अनुग्रह काम करता है आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में। परमेश्वर का अनुग्रह केवल इसीलिए उपलब्ध नहीं, केवल उद्धार के मामले में, ये तो उपलब्ध है आपके जीवन के प्रतिदिन में कि आपको बहुत ही बेहतर बनाए, अनुग्रह से जीना तो ये सबसे अद्भुत बात है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ये तो जीवन है आजादी का और आनंद का और खुशी का, यानी अनुग्रह से जीना है। और अंत में अनुग्रह कीमती है। अब जो भी मुफ्त मिलता है लोग उसकी सराहना नहीं करते, वो सोचते हैं जो भी मुफ्त में है ये तो जरूर बहुत सस्ता होगा। इन दिनों में जमीन खरीदते समय बिल्डर कहते हैं हम आपको 2 ग्राम सोना देंगे, आपको उस सोने को जरा परख कर देखना होगा। जब भी कुछ मुफ्त में दिया जाता है
तो वो सबसे उत्तम नहीं होता है। कहते मुफ्त में देना है तो सबसे घटिया देते हैं, सबसे बुरा, क्योंकि ये मुफ्त में है, हम मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त का भोजन ऐसा होता है, मुफ्त के कपड़े ऐसे होते हैं, सब कुछ जो मुफ्त में है वैसे ही होता है। तो लोगों को जब हम कहते हैं कि उद्धार मुफ्त में है तो वो सोचते हैं ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही कोई बात होगी, ये मुफ्त में है, ये महत्वहीन होगा और इसीलिए तो परमेश्वर सभी को ये मुफ्त में दे रहा है। जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्यों मुफ्त में है? मुफ्त में है, हाँ मुफ्त में है। क्या ये भेंट है? हाँ ये भेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं मुफ्त में क्यों है? ये मुफ्त में है इसलिए नहीं कि बहुत ही सस्ता है, महत्वहीन है, लेकिन ये इतना कीमती है कि हम में से कोई भी कभी भी इसे नहीं खरीद सकता था, अपना सब कुछ बेचकर भी। हम अपने सारे स्रोतों को एक साथ जोड़ सकते हैं, अपने पास में जितनी भी धन संपत्ति है सबको जोड़ सकते हैं, तो भी हम 1% उद्धार यहाँ पर नहीं खरीद सकते। आप अपने लिए उद्धार नहीं खरीद सकते हैं संसार के सारे धन को देने के बाद भी। मनुष्य जाति के लिए उद्धार की जो कीमत थी वो तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। ये तो यीशु का वो लहू है जो कलवरी के क्रूस के ऊपर में बहाया गया। देखिए, इस पृथ्वी पर और भी कोई मनुष्य नहीं यीशु मसीह को छोड़कर जो यीशु के जैसे हो। परमेश्वर का पाप रहित मेमना, उसमें कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष निष्कलंक था, उसमें कोई दोष नहीं था, बिल्कुल ऐसा परमेश्वर का मेमना, ऐसा कोई लहू नहीं जो इस पृथ्वी पर हो। यीशु मसीह के लहू को छोड़कर कोई लहू नहीं जो हमारे पापों को शुद्ध कर सके, और इसीलिए तो इसे बहुमूल्य लहू कहा गया है। आप अपना जीवन दे सकते हैं, मैं अपना जीवन दे सकता, किसी का उद्धार नहीं होगा। यह हमें भी नहीं बचा सकता अगर हम अपना जीवन दे। देखिए, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा जीवन है पाप में मनुष्य का, जो कि एक पापी मनुष्य है। हम लोग तो सिद्ध नहीं हैं। केवल एक जीवन मायने रखता है, वो तो परमेश्वर के पुत्र का जीवन है, और इसीलिए तो उसे आना पड़ा, उसे मनुष्य बनना पड़ा, वो इस संसार में अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया। ये बहुत कीमती है, इतना कीमती कि कोई भी दाम नहीं चुका सकता, इसलिए मुफ्त में दिया गया है, कोई खरीद नहीं सकता, और इसलिए ये सबको मुफ्त में दिया गया है। आमेन। और ये इसलिए मुफ्त में है क्योंकि परमेश्वर बहुत धनी है और वो मुफ्त में देता है, वो तो सभी को मुफ्त में दे देता है। ठीक है, अब अंत में छुटकारा शब्द हमने देखा है, धर्मी ठहराया जाना, और हमने देखा है मुफ्त में, और देखा है उसके अनुग्रह के द्वारा। अब चौथा शब्द है छुटकारा। अब छुटकारा अद्भुत शब्द है, ग्रीक नए नियम में इसका अनुवाद किया गया है 4 अलग अलग शब्दों के द्वारा। जब भी छुटकारे शब्द का उपयोग किया गया, इन शब्दों में से एक उपयोग हुआ, और ये आधारित था, जानते हैं यहां पर जो दिया गया अर्थ है, हर एक शब्द अलग है, एक दूसरे से ये बहुत अलग हैं। सामान्य रूप में शब्द उपयोग हुआ है अग्राजो, अग्राजो मतलब गुलाम के मार्केट से खरीद लेना। उन दिनों में गुलामों के मार्केट होते थे, मछली जैसे वो मनुष्यों को बेचते थे, स्त्री और बच्चों को बेचते थे, कोई भी जाकर खरीद सकता था कि उनके खेत में काम करे। 1 दर्जन गुलाम खरीद कर लाते, घर में रखकर उनसे काम करवाते थे, वो बेचे जाते थे। कम उम्र के लोगों की ज्यादा कीमत थी, जानते हैं, जितने मजबूत हो उतनी ज्यादा कीमत लगाई जाती थी। और ये सब, यानी वो इस तरह की बात के बारे में कहता है कि गुलामों के मार्केट से खरीदे, लेकिन ये शब्द यहां उपयोग नहीं हुआ। यहां जो शब्द उपयोग हुआ वो तो अलग शब्द है, जिसका अर्थ है कि किसी को उसके बंधन से छुड़ाना, गुलाम बंधे होते थे, किसी को उनके बंधन से छुड़ाना, ये केवल खरीदने की बात नहीं है, लेकिन खरीदने के बाद क्या होता है, उसे खोल दे उस व्यक्ति को। अब वो बंधन में नहीं है, अगर वो खोलने के बाद में घर जाना चाहे तो जा सकता है, वो जहां जाना चाहे जा सकता है, वो उसे आजाद करने के लिए खरीदता है। ये उन दिनों में सुना नहीं गया था, अगर उसे खरीदा है तो उसके मालिक हैं। वो घर नहीं जा सकता था, उसके पास कोई चुनाव नहीं था, वो आपके साथ आना चाहिए और जो आप चाहे वही करना चाहिए। देखिए, वो इस तरह से नहीं कह सकता था कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, वो नहीं पूछ सकता था कि आपके घर में टीवी है, वो तो नौकर हैं, लेकिन ये गुलाम हैं। गुलाम को बस आपके साथ में आना है और आपकी सेवा करना है, बस इतना ही करना है, यानी वो बंधा है। ये शब्द यहां पर दिया गया है छुटकारे के लिए। देखिए, इसका तो मतलब ये है कि उस व्यक्ति को केवल अभी दाम देकर खरीदा ही नहीं गया, लेकिन उसे खोला गया है। खोला गया मतलब आजाद किया गया, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन जिस मालिक ने उसे खरीदा है वो उससे कहता है कि तुम जा सकते हो, तुम जो चाहे करो, लेकिन तुम्हारा स्वागत है कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो जाओ, तुम मेरे पुत्र हो सकते हो, मैं पुत्र के रूप में तुम्हें गोद लूंगा, तुम मेरे मेज पर से खा सकते हो,
तुम आकर उन सारी बातों का आनंद ले सकते हो जो कुछ भी मेरे पास में है, मेरी सारी चीजों का आनंद उठा सकते हो। क्यों ना तुम मेरे साथ में आ जाओ, अगर पसंद हो तो आ जाओ। यही तो वो बात है जिसके कारण हम प्रभु यीशु के पास में आए। हम तो शैतान और पाप के बंधनों से आजाद किए गए हैं, स्वतंत्र हुए कि फिर से बंधन में न रहे, फिर से गुलाम ना हो, और हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया होने का यह जीवन दिया गया और हम घर में आए हैं। ये वो कहानी है उड़ा पुत्र की। ठीक है, वो वहां पर जाता है, सब कुछ बर्बाद करता है, पैसा खत्म होता है, सुअरों के साथ रहता है, फिर घर जाने का निर्णय लेता है। जैसे वो घर के पास आता है, पिता दौड़ के उसके पास जाता है। वो कहता है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मैं तो तेरा दास हो जाऊंगा। और पिता तो इसे सुनना भी नहीं चाहता है। तुरंत वो उसे गले लगाता है, उससे चूमता है और उसे अंगूठी पहनाता, जो कि परिवार का चिन्ह था। ये परिवार का चिन्ह था। वो उसे नए कपड़े पहनाता है। गुलाम अक्सर बिना चप्पल के चला करते थे, वो उसे जूते पहनाता है क्योंकि वो पुत्र है, पुत्र को जूते पहनना है, गुलामों के लिए कोई जूते नहीं। फिर संगीत बजाया जाता है, बड़े आनंद से उत्सव मनाया जाता। पिता कहता है, मेरा बेटा खो गया था, वो वापस आ गया है। यही तो उद्धार है, घर में वापस आ जाना, परमेश्वर के परिवार में वापस आना। यही तो उद्धार है अपनी परिपूर्णता में, यानी धर्मी ठहराया जाना। जैसे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर मेरी ओर देखता है जैसे मानो मैं पहले कभी पाप नहीं था। वो मेरी ओर ऐसे देखता है यीशु की धार्मिकता के साथ। मुफ्त में दिया गया है, इसका मतलब है कि बिना किसी कारण से, बिना किसी उद्देश्य से, मेरी कोई भलाई ने उसे आकर्षित नहीं किया, और उसके अनुग्रह से ये दिया गया है। और उसका अनुग्रह तो बहुत ही कीमती है, उसका अनुग्रह बहुत ही महान है, बिना शर्त का है, और उसका अनुग्रह छुड़ाने वाला है। और छुटकारे के द्वारा, हम तो छुटकारे के द्वारा धर्मी ठहराए गए। छुटकारे का मतलब मैं आजाद हो गया, गुलामों के मार्केट से खरीदा गया, आजाद हूं, मुझे आजाद किया गया और घर में आजाद व्यक्ति के रूप में लाया गया कि स्वर्गीय पिता के साथ में रहूं। अनुग्रह तो बस यही है, और अनुग्रह ने तो यही तो किया है, अनुग्रह का यही मतलब है। अंत में चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बड़े प्रचारक ने कहा कि उनके दो बच्चे, यानी एक बेटा और एक बेटी, उन्होंने उन्हें बताया था कि एक काम नहीं करना है। जानते बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें बताया उसे नहीं छूना, और वो उसे छूते हैं। जैसे आप घर से बाहर जाए तो वो उसे छूते हैं क्योंकि सोचते हैं ये क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इसे नहीं छूना, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो उन्होंने वही किया जिसके बारे में बताया गया था ऐसे नहीं करना। तो वो वापस आते हैं तो उन्हें दंड देना था। अभी अगर वो उन्हें दंड न दें तो ये बर्बाद होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि आज्ञा भंग करना बिना दंड से चल सकता है। जीवन में जब ऐसे सोचे तो ये गलत है। तो आप जीवन में ऐसी बड़ी आज्ञाएं तोड़ेंगे, सोचेंगे सब आपको ऐसे जाने देंगे, आपको ऐसे छोड़ देंगे। तो वो उन्हें बताना चाहते थे कि हर एक आज्ञा उल्लंघन करना, इसके लिए तो दंड मिलना है। तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाला, और जैसे उन्होंने अपना बेल्ट निकाला तो बच्चे रोने लगे। तब वो रोकर विनती करने लगे। तो इन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम ये सोचोगे कि रोने से तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा, तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, ताकि तुम इस बात को समझो कि यदि तुम कुछ उल्लंघन करते हो और जो मैंने मना किया है उसे तुम करते हो, तो इसके लिए दाम चुकाना होगा, इसके लिए दंड जुड़ा होता है। जीवन में ये समझना होगा, तो मुझे तुम्हें मारना होगा। वो रोते रहे और इनका दिल भी पिघल गया, जैसे कि हर एक पिता का दिल बच्चों के लिए पिघलता है। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ और करे। तो उन्होंने बेल्ट बेटी को दिया और उन्होंने अपना शर्ट निकाल लिया और खुद उनके सामने बैठ गया और कहा, ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें यह बात समझानी होगी कि अगर तुम पाप करोगे तो इसके लिए दंड तो मिलना ही है। जानते हो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा दंड तो तुम्हारे ऊपर या किसी और के ऊपर जाना चाहिए, कोई और तुम्हारे दंड को उठा ले। तो मैं लेटता हूं, तुम मुझे बेल्ट से मारो और मैं दंड उठाऊंगा। तो बच्चे और रोने लगे, कहने लगे, डैडी हम आपको मारना नहीं चाहते, हम आपको कैसे मारेंगे। और उन्होंने कहा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे रोने से हल नहीं होगा, तुम्हें मुझे मारना होगा। और फिर बेटे और बेटी ने अपने पिता को बेल्ट से मारा, जैसे वो लेटे थे बच्चों ने उन्हें बेल्ट से मारा। उन्होंने कहा उसके बाद में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई, पूरी समस्या हल हो गई, कोई आज्ञा भंग नहीं किया। मुझे लगता है हर पिता को ऐसे करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता?
धन्य है वो जिनके बच्चे बड़े हो गए और चले गए हैं। मैं सोचता हूं हर पिता को अपने बच्चों से ऐसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कृपया कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो राह देख रहे हैं कि उनके हाथ में बेल्ट मिल जाए। वो कह रहे हैं वो बेल्ट कहां पर है, मुझे तो दीजिए। वो प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, उन्हें पहला मौका चाहिए, मैं पहले जाऊंगा। तो सावधान रहिए। ये एक उदाहरण है जो अच्छे से समझाता है कि हमारे साथ में क्या हुआ है। बाइबल कहती है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे पाप बिना दंड के नहीं गए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं अपना चेहरा फेर लेता हूं, तुम जो चाहे वो कर लो, मैं इसे नहीं देखूंगा, बस ऐसे दिखावा करूंगा कि मैंने इसे अनदेखा किया। नहीं, परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, वो उसे देखता है, उसे दंड देना चाहता है, उससे निपटना चाहता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यही तो क्रूस पर हुआ। क्रूस की मृत्यु का बस यही तो अर्थ है कि यीशु मसीह मरा हमारे पापों के कारण। वो अपने पापों के कारण नहीं मरा, उसमें कोई पाप नहीं था, वो हमारे पापों के कारण मरा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए परमेश्वर ने पाप के लिए जो दंड था वो तो कलवरी के क्रूस के ऊपर चुका दिया। कलवरी के क्रूस पर यही तो हुआ था। जब इस तरह से कोड़े मारे गए, जब उसे मारा गया, उसके सिर से लेकर उसके पैर के तलवे तक वो पूरा जख्मी हुआ, वो जख्मी हुआ उन कोड़ों के कारण। यह हमें बताता है कि उसने कितना बड़ा दाम चुकाया है। हां, यही तो हुआ है, और इसी ने हमें धर्मी ठहराया है। वो सब जो उसने अनुभव किया हमारे लिए, हमारे लिए था, लेकिन उस पर लाद दिया गया। यह हमारे शांति के लिए ताड़ना थी। जानते हैं, जब बच्चा कोई गलती करता है, गलती करने के बाद वो बहुत ही दुखी हो जाता है। वो पिता के सामने नहीं जा सकता, माँ के सामने नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं मांग सकता, उनका सामना नहीं कर सकता, उनके सामने नहीं आ सकता, जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। झूठ बोलकर उसे यहां वहां भागना होगा, और जानते हैं कि बस कोशिश करनी होगी, यानी जैसे तैसे वो जीता है अपने घर में। वो अभी डर गया है, भयभीत हो चुका है, वो किसी बात के कारण दोषी है, यानी वो गलती करने के बाद ये उसके लिए नरक जैसे है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो पकड़ा जाए तो इसका आनंद होता है, और फिर वो मार खाता है। हेलो। मैं अनुभव से बता रहा हूं। जानते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक बार हेडमास्टर ने कहा जाकर माता पिता को बुलाओ, और मैं 4 दिन तक भटकते रहा, स्कूल में नहीं गया, बस मैं यहां वहां ऐसे घूमते रहता था, स्विमिंग पूल में जाता था, नाम था रॉयल बाथ। पता नहीं कितने लोग जानते हैं, उस समय ये पीला दिखता था। केवल 25 पैसे देना पड़ता था। अच्छी खबर थी कि ये बहुत सस्ता है, लेकिन बुरी खबर थी कि ये इतना सस्ता क्यों था और ये इतना पीला क्यों था। बहुत बुरा स्विमिंग पूल था। मैं दिन भर जाकर वहां पर स्विम करता और शाम के समय ऐसे आता जैसे स्कूल से आ रहा हूं। नरक के 4 दिन थे। आखिर में मैंने सोचा कि जाकर मैं इसे बता देता हूं, और फिर मेरी मम्मी आई। मेरे हेडमास्टर उन्हें जानते थे क्योंकि वो दोनों एक ही शहर से थे। मुझे क्लास में भेज कर उन्हें सब कुछ बताया। जब मैं घर में आया तो अच्छी पिटाई हुई, जानते हैं। लेकिन उसके बाद में बड़ी आजादी और बड़ा आनंद मुझे मिला, क्योंकि वो तो अद्भुत था, क्योंकि अब 4 दिन से यहां वहां भागने का जो काम था खत्म हुआ। ये 4 दिन दोष भावना से मरने के दिन खत्म हो चुके, क्योंकि अब उससे निपट लिया गया है, उस मुद्दे से अभी पूरा निपट लिया गया है। अब मैं खुश था, मुझे छिपना नहीं था, माता पिता से बात कर सकता था, मैं सबके साथ में घर में खा सकता था, और मैं पूरी तरह से आजाद था। और यही तो इसका मतलब है जब ये कहता है कि मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी थी। आमेन। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा, तुम तो धन्य हो। हाँ, एक अनुवाद में इस तरह से कहता है कि तुम तो सच में अनुग्रह प्राप्त करने वाली हो, मतलब तुमने अनुग्रह प्राप्त किया है। मरियम ही क्यों? क्यों परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था? उस नगर में बहुत सी स्त्रियां थी, हजारों स्त्रियां थी, लेकिन परमेश्वर उसके पास आया, उसके पास स्वर्गदूत भेजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं आपसे कहूं, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अपनी दृष्टि रखी। आज आप यहां पर हैं, सुसमाचार सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप यहां पर आनंद मना रहे हैं, बाइबल को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है। इस संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दृष्टि, अपनी आंखें आप पर लगाई है,
और आपको अपनी ओर लाया है, यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। किस लिए, क्यों, हम नहीं जानते। हम ये कह सकते हैं कि ये तो उसका प्रेम है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिना किसी कारण से उसने ये किया है, यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। You can.